नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आपका अपना प्लॉट है और नॉर्थ फेसिंग है, और आपका अपना प्लॉट जो बनता है वो शेरमुखी बनता है। शेरमुखी प्लॉट कैसे होते हैं? जिस प्लॉट का आगे का भाग चौड़ा होता है और पीछे का भाग भीड़ा होता है, यानी आगे का भाग बड़ा होता है और पीछे का भाग छोटा होता है, उसके कारण प्लॉट शेरमुखी बन जाता है। एक नहीं, कई प्रकार से शेरमुखी प्लॉट बनते हैं। आज मैं आपके साथ जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो है नॉर्थ फेसिंग प्लॉट। और आप ऐसे प्लॉट में अपना घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बताना चाहूँगा, कभी भी कोई भी प्लॉट किसी भी प्रकार से किसी भी कोने से बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। हमेशा प्लॉट रेक्टेंगल या स्क्वेयर, यानी आयताकार या चकोर ही होना चाहिए। आप अपना प्लॉट ले चुके हैं और आपके प्लॉट का नॉर्थ वेस्ट का भाग, यानी नॉर्थ फेसिंग आपका प्लॉट है और नॉर्थ वेस्ट का भाग बढ़ रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है वो 90 डिग्री प्लस है और नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर 90 डिग्री माइनस है। तो ऐसे में आपके प्लॉट का नॉर्थ वेस्ट का भाग नॉर्थ की दीवार से बढ़ जाता है। तो ऐसे प्लॉट में कभी भी घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब भी नॉर्थ वेस्ट का भाग बढ़ता है तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति अपने परिवार से और अपने रिश्तेदारों से हमेशा ही परेशान रहते हैं। वो लोग अपनी संतान से भी परेशान रहते हैं। नॉर्थ का भाग जब भी बढ़ता है, कुबेर की दिशा जब भी बढ़ती है, तो धन दौलत हमेशा ही उस घर में देखने को मिलती है, लेकिन वो परिवार से, रिश्तेदारी से, अपनी संतान से हमेशा ही परेशान रहता है। कोर्ट केस, मुकदमे होने के कारण भी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी प्लॉट का कोई भी कॉर्नर पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र में नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोने को बढ़े हुए भाग को हमेशा ही अच्छा माना जाता है। ईशान कोण उत्तर की दीवार से मिलकर बढ़ा हुआ है या पूर्व की दीवार से मिलकर बढ़ा हुआ है, वो हमेशा ही अच्छा माना जाता है। बाकी कोई भी कोना बढ़ा हुआ हो तो उसके हमेशा ही बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। जो कोना जिस दिशा से मिलकर बढ़ा है उसके प्रभाव उसी प्रकार के देखने को मिलते हैं। आपका जो ये प्लॉट है, इस प्लॉट में नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर बढ़ा हुआ है, तो आपको ऐसा प्लॉट नहीं बनाना चाहिए। आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तर मुखी है और आपके प्लॉट का नॉर्थ वेस्ट का कोना बढ़ा हुआ है, तो आपको ऐसे प्लॉट में घर नहीं बनाना चाहिए। यदि आप ऐसे प्लॉट में घर बनाते हैं तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपने नॉर्थ की दीवार को 90 एंगल करके जो बढ़ा हुआ भाग है उसको बाहर गली में छोड़ दें, क्योंकि बाहर गली में जो जगह छोड़ेंगे उस जगह को कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि वो जगह आपके गली के बाहर के भाग में आ जाएगी और वहाँ पर जैसे आपकी अपनी गाड़ी है, टू व्हीलर है, वो खड़े होने का स्पेस बन जाता है। या आप उस बड़े हुए भाग में अपना किचन गार्डन भी बना सकते हैं। आपको अपने जो नॉर्थ की दीवार है वो सीधी कैसे करनी है? जो आपकी अपनी ईस्ट की दीवार है, ईस्ट में जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर बनता है, यहाँ से आप 90 डिग्री निशान लगाकर नॉर्थ वेस्ट कोने को भी 90 डिग्री करेंगे तो आपके प्लॉट के चारों कोने, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर भी 90 डिग्री बन जाता है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर भी 90 डिग्री बन जाता है, ऐसे ही साउथ ईस्ट कॉर्नर भी आपका 90 डिग्री है और साउथ वेस्ट कॉर्नर भी आपका 90 डिग्री बनता है। जो आपका बड़ा हुआ भाग है वो आपका अपना गली में रह जाता है। इसी के साथ मैं आपको और कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। आपने अपने यहाँ पर जो मेन गेट बनाना है, मेन गेट आपने नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में यहाँ पर आपने अपना मेन गेट बनाना है। मेन गेट बनाकर बाहर जो आप रैंप बनाते हैं, जो रैंप का आपका स्लोप बनता है, वही स्लोप आपका नॉर्थ के भाग में भी होना चाहिए। जो आपका बड़ा हुआ एरिया है, इस एरिया का जो स्लोप है वो भी आपके रैंप के बराबर होना चाहिए। किसी भी कीमत पर जो आपका अपना रैंप है उससे ना तो नीचा होना चाहिए और ना ही ऊंचा होना चाहिए। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो आपका अंदर का फर्श का लेवल है उस फर्श के लेवल से बाहर का फर्श का लेवल हमेशा ही नीचा रहेगा।
और आपने एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपने ग्रिल लगाकर इस एरिया को कवर भी नहीं करना है, ये एरिया आपका अपना कंप्लीट ओपन रहेगा। यहाँ पर आप को कोई भी पेड़ नहीं लगाना है, छोटे पौधे लगा सकते हैं, उन पौधों की जो हाइट है वो आपकी चार दीवारी की हाइट से यानी उत्तर दिशा की जो दीवार है उससे ऊंचे नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आप अपना किचन गार्डन भी बना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के भाग में किचन गार्डन नहीं बनाते हैं, सिर्फ रैंप के लेवल में पक्का फर्श करते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। जैसे आप दिन में अपने घर पे आते हैं तो रोड के ऊपर गाड़ी ना लग के आपकी अपनी जगह में आकर खड़ी हो जाएगी। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखना, आजकल इंटरलॉक टाइल लगाने का टाइम है और बहुत सारे व्यक्ति अपने बाहर के एरिए में इंटरलॉक टाइल्स लगाते हैं। आपने अपने फ्रंट के भाग में रेड कलर की इंटरलॉक टाइल्स नहीं लगानी है। आप अपने बाहर इंटरलॉक टाइल्स लगाते हैं तो उनका जो कलर होना चाहिए वो ग्रे कलर होना चाहिए, सीमेंट कलर होना चाहिए, इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। और जो आपका अपना गेट का रैंप बनेगा, रैंप के ऊपर भी आपने ध्यान रखना है रेड कलर का पेंट या रेड कलर की टाइल्स नहीं होनी चाहिए। जब भी नॉर्थ के भाग में रेड कलर आ जाता है तो फाइनेंस के लॉस होने के कारण बनते हैं, कहीं ना कहीं पैसे का नुकसान हो ही जाता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, पैसे का नुकसान लगता है जब भी नॉर्थ के भाग में कौन सा कलर आता है, रेड कलर आता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, आपने नॉर्थ के भाग में ना तो रेड कलर की टाइल्स लगानी है और ना ही आपने मेन गेट पर रेड कलर का पेंट करना है, इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। आप भी अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो उसमें आपने ध्यान रखना है, यदि आपके घर की कोई भी दिशा बढ़ी हुई है, कोई भी कोना बढ़ा हुआ है, तो आप उसको 90 एंगल सीधा करके बनाएंगे तो आपके घर के अंदर हमेशा ही खुशहाली बनी रहेगी, परिवार हमेशा सुखी रहेगा, वहाँ पर हमेशा धन दौलत आने के भी रास्ते बने रहेंगे, धन दौलत आएगी भी और मान सम्मान भी खूब बढ़ेगा। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे वीडियो भी बनवा सकते हैं, और आप अपने किसी भी साइट के लेआउट पर वास्तु सलाह लेना चाहते हैं तो आप वास्तु सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपने घर का लेआउट बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से लेआउट भी बनवा सकते हैं। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।